शुरू करते हैं। शिव, थैंक यू सो मच। हाय शिवांगी। हाय हाय, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? सब परफेक्ट, एकदम मस्त, परफेक्ट एकदम। वेल, तो आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, 3 मिलियन हो चुका आपका गाना। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, कॉन्ग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। अच्छा ईशान भाई और शिवांगी, आपने जब गाना शुरू किया तो एक होता है ना, कब गाना आपके पास पहुंचा? ईशान भाई वो ये कि आपने कंपोज किया हुआ है गाना, कब बना कि ये गाना करना चाहिए? और शिवांगी, जब आपके पास गाना आया तो एक होता है ना फर्स्ट रिएक्शन क्या था आपका कि नहीं यार ये तो करना है? बहुत ही प्यारा गाना है। ये गाना सुना तो मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं बहुत चूजी हूँ अपने सॉन्ग्स को लेकर। सो लेकिन आई डोंट, इस सॉन्ग के लिए मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल हार्ट वार्मिंग मेलोडियस सॉन्ग, एंड आई लव द कंपोजिशन बाय ईशान खान। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ, थैंक यू सो मच, मुझे नहीं सोचना पड़ा इतना। ईशान भाई, आपने तो शुरुआत से मतलब गाना जब सुना तो क्या कैसे बना गाना? इस सॉन्ग को एक्चुअली 1 साल हो गया, क्योंकि सबसे पहले इसका ट्यून बना था। मतलब वो उसमें एक वर्ड नहीं बैठ रहा था, इसकी कहानी है कि हम कि तू मेरा सुरूर हो गया, मतलब समथिंग पहले कुछ ऐसा था कि हम वो सुरूर और उससे रिलेटेड वर्ड्स ढूंढ रहे थे। फिर उसके बाद अजीम भाई के साथ बैठ के फिर हमने उसका एक तोड़ निकाला कि नहीं, वो सिर्फ हम हुक पे अटके हुए थे। फिर उसके बाद जब अंतरे की बारी आई तो उसमें आप समझ लो, अंतरे के लिए उन्होंने, अजीम भाई ने कम से कम हमें 18 से 20 अंतरे दिए थे। उसमें से हम लोगों ने चूज कर करके फिर इस सॉन्ग को पूरा किया है। और ये आज तक उनके भी करियर का और हमारी भी करियर का सबसे लंबा गाना था, जिसमें हमने बहुत सारे लिखा है सॉन्ग पे, तब जाके कुछ अच्छे वर्ड्स हमने चूज किए। क्या बात, नहीं बहुत कैचे गाना है। अच्छा शिवांगी, आप ना उत्तराखंड से हो? हाँ जी, हाँ उत्तराखंड में ऋषिकेश। मैंने ना ज्यादा से रिसर्च करने की कोशिश की, बट मेरे को पता नहीं लगा रिसर्च ऋषिकेश में प्रॉपर कहाँ से। मैं खुद उत्तराखंड से हूँ, मैं टिहरी गढ़वाल में रहा हूँ 15 साल। अरे मैं गढ़वाली हूँ। हाँ मेरे को आती है आपको गढ़वाली? हाँ थोड़ी थोड़ी समझ पूरी आती है। नहीं मेरे को ना पता नहीं, खुशी होती ना कि हाँ कोई अपना लोग मतलब मिले हम शायद ही, मतलब वो वाली बात, लेकिन अच्छा लगता है ना कि हाँ कोई अपने वहाँ का है, अपने पास का। मैंने फोटो देखी थी आपके चंद्रबदनी देवी की कोई। हाँ पता नहीं है चंद्रबदनी, लेकिन मैं ऋषिकेश, मैं सहस्त्रधारा एक जगह है देहरादून में, वहां से देहरादून में, करेक्ट जी। हाँ मैं, मेरी ना जब मैं छोटा था ना, मेरी नानी लेके गई थी मुझे चंद्रबदनी, तो मेरे को तब रियलाइज हुआ। हाँ इट्स अ ब्यूटीफुल। ईशान भैया, मैं ईशान भैया के बारे में, एक बार नागपुर में था और नागपुर में ऐसे सैलून में गया था, एक शो था मेरा, और सैलून वाला कहता है कि आप क्या करते हो? मम्मी तो मैं पोएट हूँ। रहने लगे कि हमारे भी एक भैया है मुंबई में, ईशान खान, हमारे वहां से बाल कटा थे। मतलब इतना प्यार ईशान भैया आपको नागपुर में मिलता। और मैंने कहा अरे भाई मोहब्बत है सबकी, करेक्ट। अच्छा भैया, हम लोग ना गेम खेलेंगे, बहुत छोटा सा, मतलब कुछ बहुत फनी फनी क्वेश्चन है आप दोनों के लिए। तो हम शुरू करें तो पहला क्वेश्चन है कि कोई आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसे याद करके हम लोग कभी भी हंस लेते हैं, यार उस दिन मैंने क्या किया था। कोई लाइफ का कोई ऐसा किस्सा हो आपका? मेरा तो है, मेरे एक्चुअली बहुत सारे किस्से। हाँ पहले आप बताइए। तो एक्चुअली क्या हुआ था, मैं और मेरा भाई ना, हम लोग गए थे, मेरी कजन सिस्टर की शादी थी, तो कैमोर करके एक जगह है एमपी में, और वो हर तरफ वहाँ पे पहाड़ है। तो हम बहुत छोटे छोटे थे, मतलब तब हमने ऐसे प्लान किया कि हम शाम को ना चढ़ेंगे पहाड़ पे, जाना है देखने क्या है उस पार। तो हम चढ़ गए जैसे तैसे करके, फिर शाम होने लगी तो हम लोग बोले अब उतरते हैं। तो मेरे भाई ने बोला हाँ चल उतरते हैं, तो हम लोग बोले दौड़ के उतरते हैं, ठीक है। तो पहाड़ पे ना हम लोग नीचे की तरफ दौड़ना चालू किया हम लोगों ने, अब हम लोग ने ऐसी स्पीड पकड़ ली कि हम लोग रोक नहीं पा रहे थे। और लिटरली इतना इतना गंदा गिरे थे ना हम दोनों, इतना गंदा गिरे थे, और मैं हंस रहा हूँ इतना जोर जोर से, और हमारे घुटने पूरे छिल गए थे। और हम वो जो शादी थी ना, हम उसमें ना डांस कर पाए ना कुछ, और हम लोग पूरे टाइम कुर्सी में बैठे हुए थे क्योंकि हमारे घुटने में स्वेल आ गया था। एंड वो आज भी सोचता हूँ बहुत हंसी आती है। नहीं मैं भी रिलेट कर सकता हूँ आपसे, मैं भी बहुत गिरा हूँ पहाड़ों से। शिवांगी आप? हाँ इस चीज से मैं भी रिलेट कर सकती हूँ। जब हम छोटे, हमने भी ये बहुत हरकतें की हैं कि जब ढलान होती है तो ढलान पे भाग भाग के जाना। तो वही मैंने कहा, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं,
मुझे नहीं लगता मैं कोई एक बता पाऊंगी, बट मैं जब बहुत छोटी थी, जब स्कूल में थी, तो मैं बहुत बहुत मारती थी लोगों को. तो अब जब मैं उन चीजों के बारे में सोचती हूँ तो मुझे वो बहुत फनी लगता है कि मैं बहुत झगड़ा करती थी स्कूल में, और मेरे ऑलमोस्ट हर सेकंड डे मेरे स्कूल से कंप्लेन जाती थी. सीरियसली मैडम मैं आते थे. हाँ, मैं बहुत मार पिटाई करती थी. मेरे शक्ल से लगते ना इतने मासूम लोग, ये नहीं तो जो पढ़ाई में टॉपर होते हैं. नहीं, वो भी थे, लेकिन मार पिटाई भी बहुत करती थी. अच्छा ईशान भाई, एक और सवाल आप दोनों से, कि आपने ना एक अच्छा खाना तो सब लोग खाते हैं ना, क्या हमने ये अच्छा खाना खाया था वो बेस्ट था, कभी आपने से कुछ बहुत बुरा खाना खाया हो कहीं जाके, कि यार ये दोबारा नहीं खाना, इससे वियर्ड कुछ नहीं खाया आज तक? रेस्टोरेंट का नाम नहीं लेना आपको, बस हाँ. नहीं नहीं, मैं कुछ कुछ नाम नहीं ले रहा हूँ. मैं एक जगह गया था और फंक्शन था, और वो राजा लोग रहते है ना, समथिंग जो रजवाड़े होते हैं, उनके यहाँ का फंक्शन था, इन्विटेशन था, तो मैं वहां गया था. तो वहां मैंने ना एक सब्जी खाई कोफ्ते की, तो वो कोफ्ता ना मीठा था थोड़ा सा, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैंने कभी ऐसे कोफ्ते तो खाए नहीं है. तो मैंने पूछा जाके कि भाई ये क्या है, तो फिर उसने बताया कि गुलाब जामुन की सब्जी है. ओके. और भाई मैं सोच रहा हूँ यार ये कैसे हो सकता, गुलाब जामुन की सब्जी थी वो, लिटरली वो, मैं बोला वो मेरे ये बहुत गलत खा लिया. तो मैं कभी नहीं खाना चाहूंगा. ऐसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो मुझे नहीं पसंद आई, लेकिन काफी लोगों को अच्छी लगती है, जो जो ऑथेंटिक चाइनीज होता है ना. तो हम ग्रीस में थे, और एंड आई लव चाइनीज, तो मुझे वहाँ पे चाइनीज रेस्टोरेंट दिखा, मैं बहुत खुश हो गई कि चलो यहाँ चलते हैं. तो वहाँ गए, वहाँ बहुत ऑथेंटिक चाइनीज मिलता था, जो बिल्कुल ब्लैंड और बहुत ही अजीब सा टेस्ट का था. तो मैंने वो ऑर्डर किया, और वो जब आया, जब मैंने टेस्ट किया, उसके बाद मैंने हाथ जोड़ लिया. मैंने सोचा मैं फॉरेन आके कभी चाइनीज नहीं खाऊंगी. इट वाज वियर्ड, आई डोंट नो, बहुत ही वियर्ड टेस्ट था. तो मैं, एंड आई लव चाइनीज, ओके, आई लव इंडियन चाइनीज, तो वो चीज मैं नहीं खा पाई. हाँ, आपके तो बचपन से राहुल ना, शादियों में भी जाते थे तो सिर्फ चाइनीज को कहीं बचपन से, मतलब मेरे को ऐसा लगता पहाड़ों में हमारे साइड तो यही होता था, कहीं शादी में पहले चाइनीज को देखना है कि चाइनीज फूड कहाँ पे. तो मैं वो ऑथेंटिक चाइनीज, वो बहुत ब्लैंड होता है, वो बहुत अलग टेस्ट का होता है, तो वो मैं नहीं खा पाई, और मैं याद भी नहीं करना चाहती, वो इतना बुरा हो रहा था. फीलिंग सेट फॉर यू. अच्छा हाँ. अच्छा शिवांगी और ईशान भैया, कभी ना आपने कुछ ऐसा चुराया है, मतलब वो कुछ बहुत छोटी चीज कोई आपको अच्छी लगी हो तो आपने रख ली रेस्टोरेंट में, देखो होटल में जाते हो वो, उसके अलावा क्योंकि सब बोलते हैं हम, इसके अलावा कुछ ऐसा कुछ बहुत छोटी चीज बहुत प्यारी लगी हो तो आपने उठा के मुझे पता नहीं क्या ईशान मैंने पक्का किया होगा. पागल, मैंने कुछ नहीं किया है. हाँ, मैंने ऐसे वीडियो गेम खेलना रहता था, तो मैंने पैसे जरूर चुराए, लेकिन मैंने ऐसे चीजें नहीं चुराई. चलो कोई नहीं, शिवांगी आपने भी नहीं? नहीं, मैंने कहा ना मैं ऐसी चीजें अप्रिशिएट करती. मैं बहुत अच्छी हूँ. और अच्छा, आपके घर में ना सबसे क्यूटेस्ट चीज क्या है आप दोनों के पास, जो आप मतलब हमेशा अपने पास रखते हो? एक चीज होती है मेरे घर पे, मैं मेरे घर में, ईशान भाई, ईशान भाई का आंसर मिल चुका है मुझे, मेरा बैंक से दे चुकी हूँ. अच्छा आप लोगों ने ना कभी ऐसे, भैया बचपन में ना ऐसे पुराने न्यूज़पेपर्स होते थे ना, तो कवर बुक के कवर्स बनाए ऐसे, मतलब प्रॉपर मिडिल क्लास थिंग्स होती है जो, कि सब मैंने तो बनाए हैं. हाँ, मैंने भी बनाए हैं, मैंने भी कवर पहले किया. पहले पेपर लगाते थे, फिर उसके ऊपर ना वो ऐसा पन्नी आती थी, पन्नी वाला कवर आता था, वो लगाते थे, और उसके बीच में वो फिर वो नेम चिट रहती थी, मिकी माउस और मतलब डिज्नी के जो कुछ है वैसे ऐसा. अरे वो प्लास्टिक वाली तो मैं बता रहा हूँ, वो अमीरी होती थी, मतलब एक टाइम पे वो भी, अगर जैसे किसी ने प्लास्टिक भी लगाया हुआ है ना, क्योंकि एक ब्राउन कलर की आती थी, या सैफ्रॉन में कोई ब्राउन भी आता था, एक ब्राउन भी आता था, और एक वुड जैसे कलर का भी कलर आता था. चिट्स कौन सी थी फेवरेट उस टाइम पे, मतलब ऐसे कुछ आती थी ना चिट्स की, मेरे को बार्बी डॉल चाहिए, पफ गर्ल चाहिए, कार चाहिए.
तो मैं बाबी डॉल से इतना खेलती नहीं थी, मैं ना ही बाबी डॉल्स की मूवी देखती थी या कार्टून देखती थी, लेकिन बड़े होने के बाद मैंने वो चीजें की. बड़े होने के बाद मुझे बारबी मूवीज देखना बहुत पसंद है. मैं अब भी देखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा स्ट्रेस बस्टर है बारबी मूवीज देखना. पर बचपन में मुझे जितनी भी मैं कार्टून बहुत देखती थी, तो मुझे जितनी भी कार्टून वाली नेम चेंज होती थी. ईशान भैया, एटी में का आपके लिए मैसेज आया है कि एक बार आप अंतरा गा लेना गाने का. एक्चुअली कल शो था तो कल बहुत गा लिया मैंने ना, तो मेरा गला बहुत बैठा है, तो थोड़ा सा लो स्केल पे सुना देता हूँ. आधा मैं इश्क ले गया, आधा सा इश्क तुझे लाना, थोड़ा करीब तेरे आया हूँ, थोड़ा करीब तुझे आना है, लम्हा लम्हा मुझे तेरा ही ख्याल है, तेरी चाहतों का सारा ही सवाल है, मेरे जैसा ही तो मेरे दिल का हाल है, कि तू मेरा सनम हो गया, रब का करम हो गया, जैसे हो रही हो धूप में बारिश, मुझे ऐसी लगी तेरी मुस्कुराहटे, एक होने लगी तेरी मेरी आदत, कि तू मेरा सनम हो गया, रब का करम हो गया. क्या बात है, तूने बुरी आवाज में ना. अच्छा, ऐश्वर्या त्रिपाठी में बता दूं, एटी भाई का मैंने जिन्हें, वो उस गाने के म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, बहुत कमाल के इंसान. अच्छा भैया, हाँ आप कुछ कह रहे थे, बोलो. हाँ, मैं बोला था इस गाने को, मतलब एटी जो है उन्होंने और यक्ष दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस किया हुआ, दोनों के ही हाथ हैं, और इस सॉन्ग को जो लाइव जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं, मैं सबका ही सबको क्रेडिट देना चाहूंगा, जितनी भी टीम हमारी, चाहे वो यश हो ऑडियो टीम जितनी भी है, एंड एरिक सर ने मिक्स किया है, एंड जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, वो तो उनको तो सब जानते हैं, काफी फेमस है और काफी अच्छा काम है उनका, ध्रुवल एंड जिगर भाई का. नहीं नहीं, सब बहुत मैं टच वुड, मतलब शिवांगी आप ही हो जिससे मैं मिला नहीं हूँ, मैं सबसे ऑलमोस्ट मिला, इतना हैप्पी वाइब है सबके साथ. अच्छा भैया, गाने में ना कुछ सीन थी, जैसे वो ना शिवांगी ऐसे फ्लावर्स गिर रहे हैं ऊपर से नीचे, आप चल रहे हो ऐसे रोजेस गिर रहे हैं, आपका हाथ कट रहा है तो वो पट्टी लगा रहे हैं, मैं ऐसा रियल लाइफ में मतलब कभी हुआ ऐसा कुछ, ऐसा नॉर्मली मतलब कभी किसी के साथ, ईशान भाई आप, मैं कभी किसी के लिए कुछ किया हो ऐसे छोटे इफेक्ट, मेरे को नाम नहीं बता. नहीं, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे कभी ऐसे चलते हुए फ्लावर तो कभी गिरे नहीं मेरे ऊपर, बट ये तब होता है जब किसी फंक्शन में जाओ किसी फंक्शन में जाओ, तो वो जो खड़े रहते हैं ना बाहर, वो भले वो वैसा हुआ है, और बाकी ऐसा मांझे से कभी मेरा हाथ कटा नहीं, पतंग तो बहुत उड़ाई है मैंने. नहीं, मेरे साथ बहुत हुआ, बहुत किया मैंने, मैंने किया ये, फिर उसने जो मेरे साथ किया. तुमने किया है? तुम ऐसे छत से ऐसे कूद कूद के जाते थे? नहीं नहीं, मैंने, मेरे को पतंग उड़ाना नहीं आता, लेकिन हाँ मैंने ना वो सब किया कि जैसे कोई फ्लावर्स गिराना, पता नहीं कि मेरे को बहुत चॉकलेट्स, उसके घर पे चॉकलेट्स गिरा देना, मेरे को बहुत आदत थी पहले बचपन में. ओके. तो बस उसने फिर मुझे गिरा दिया, देन मैं खत्म करते. अच्छा एक और चीज की शिवांगी, जैसे ना बचपन में ना रिलेटिव्स आते थे तो पैसे देते थे, वो एक्टिंग तो हम करते थे कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन कभी ऐसा किया आपने कि जैसे रिलेटिव ने आपको 500 रुपए का नोट दिया, वो 1000 का दिया, और मम्मी को आपने सिर्फ 100 रुपए बताया? नहीं ऐसा तो कभी, अगर 500 दिए तो मम्मी को 500 ही बता दिया. हाँ हाँ, मतलब हम लेते नहीं थे, हमें ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जो हमारे बहुत क्लोज रिलेटिव्स थे, वो अगर नहीं भी दे ना, तो हम उनसे मांगते थे पैसे, नहीं दिए पैसे दो, ऐसा हम जरूर करते थे. ईशान भैया आप? नहीं नहीं, एक्चुअली
ऐसे लेता था मैं हाथ से, जैसे नहीं देते हमारा मन तो होता था ना कि हमको कुछ करना कर, दे देना। तो बस वो ऐसे एक हाथ में आता था और एक हाथ से चला जाता था, सब सामने सामने होता था, कुछ भी ऐसे अंडर टेबल नहीं होता था। नहीं मैं ही बहुत बुरा बच्चा। फिर वो मम्मी गुल्लक में डाल देती थी, हमारे गुल्लक गुल्लक होते थे ना वो, हाँ, वो मिट्टी मिट्टी वाले, तो वो मिट्टी वाले गुल्लक आते थे। हाँ तो उसपे चला जाता था, फिर वो जमा होता रहता था, फिर कुछ ना कुछ कभी तोड़ दिए कुछ ले आए उससे वैसा रहता था। शिवांगी आपने बड़ा एक्साइटेड होकर कहा, हाँ कुछ स्टोरी है मिट्टी वाले गुल्लक की है आपके पास? हाँ मैं तो बहुत सारे गुल्लक रखती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था पैसे कलेक्ट करना। तो जिस दिन, और मैं हर रोज गुल्लक में पैसे डालती थी, और जिस दिन नहीं होते थे पैसे या कुछ, तो मैं मांगती थी कि पैसे तो मुझे मेरे गुल्लक में डालने हैं। तो फिर हम उसे ब्रेक करते थे, फिर जितने भी पैसे कलेक्ट थे मामा बोलते थे तो मैं लेना ले लो। अरे मैंने ना ऐसे बहुत कलेक्ट किए थे भैया, पता है एक साल तक प्रॉपर से गुल्लक के पैसे। देन मैंने एक दिन गया वापस, मैंने कहा कि पैसे डालता हूँ, मैंने देखा गुल्लक गायब हो गया, तो मम्मी ने वो सारे पैसे कहीं यूज कर लिए, तब बुरा लगा ना मुझे। मैंने मम्मी से बात नहीं की एक दिन, मैंने कहा ये तो गलत किया आपने मेरे साथ। अलग अलग टाइप के गुल्लक कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता। एक ऐसा आता था जैसे घर वाला आता था, जिसके अंदर एक डॉगी से, वो डॉगी आता था, वो पैसे लेके जाता था। हाँ तो मैं ये करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था गुल्लक कलेक्ट करना। मैंने एक मेला होता था वहाँ पे, तो हम लोग ने मेले से लेके आया था मैं उस गुल्लक को। अच्छा इवेंट खत्म करते हैं, इससे पहले ईशान भैया आप कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस को? हाँ बस यही कहना चाहूंगा कि इतना अच्छा प्यार दिया है कि 2 दिन में ये सॉन्ग जो है ऑलमोस्ट 3 मिलियन आ गया है ऑर्गेनिक, ये बहुत अच्छी बात है और ट्रेंड पे भी है। तो गाइस इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये और भी लोगों की नजरों तक पहुंचे और लोग सुने। आज की दौर में अच्छे म्यूजिक की बहुत नीड है, अच्छा म्यूजिक लोगों तक पहुंचे, बस यही भी लाइव म्यूजिक का भी सपना, ये हमारा भी सपना है। सो शेयर कीजिए, सिर्फ सुनते मत रहिए, सबसे शेयर कीजिए और हमें फीडबैक भी दीजिए अगर आपको किस टाइप के गाने चाहिए या कैसे चाहिए, तो हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर वैसे सॉन्ग्स भी बनाएं। शिवांगी आपको कुछ कहना है? मैं बताना चाहूंगी कि मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था शूट करने का बहुत ही अमेजिंग था। बी लाइफ की पूरी टीम बहुत ही अच्छी है, सारे यंगस्टर्स हैं, सब लोग, सब इतने एनर्जेटिक लोग हैं, तो बहुत बहुत मजा आया मुझे शूट करके। एंड द सॉन्ग इज ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारा गाना है। और मैं भी सबसे ये बोलना चाहूंगी गाइस प्लीज जाके एक बार सुनिए, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आया, क्योंकि आई थिंक मेरे जितने भी फ्रेंड्स और जितने भी रिलेटिव्स ने ये गाना सुना है, सबने देखे ये बोला है कि बहुत प्यारा गाना है। तो मैं तो इसको लूप पे सुन, मुझे तो बहुत प्यारा लगा, तो प्लीज आप लोग भी सुनिए जाके, एंड आई एम श्योर यू लव इट। तो ओके थैंक यू ईशान भैया, आपने टाइम दिया मुझे, थैंक यू शिवांगी आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच दिव्यांश, और प्लीज आप सभी गाना सुनिए, बहुत प्यारा। मैं डिस्कस भी कर रहा था, मेरे को वो लाइन इतनी प्यारी लगी है ना, वहां जा मैं इश्क लेके आया, मैं लिटरली उसको कभी भी ऐसे गुनगुनाता रहता हूँ। और ऐसी ऑडियंस प्लीज गाना सुनिए ज्यादा से ज्यादा, ईशान भाई के ऑलरेडी पुराने गाने भी काफी अच्छे हैं। ओके बाय, थैंक यू सो मच शिवांगी आपने टाइम दिया, थैंक यू ईशान भैया, बाय बाय शिवांगी, बाय दिव्यांश, बाय बाय शिवांगी, बाय बाय।